नमस्कार, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बिंदु चावला। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ, इस सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 27 जुलाई को होने वाला है और इसकी अवधि 3 घंटे 43 मिनट बताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्लड मून का नाम दिया है क्योंकि इसका रंग लाल रंग में बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है सुप्रसिद्ध ज्योतिष आभा शर्मा जी। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आभा जी। अक्सर देखा गया जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा का रंग सफेद होता है, आप क्या कहेंगे ज्योतिष के दृष्टि से? जी देखिए, हर साल 4 से 5 या कई बार 6 से 7 भी ग्रहण पड़ते हैं। ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ये खगोलीय घटना है, और इसमें चंद्र ग्रहण जो आप आने वाला है 27 जुलाई 2018 की रात्रि 1:58 पे ये शुरू हो जाएगा और करीबन 4 घंटे ये चलेगा। तो ग्रहण के वक्त तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो वह अंधेरे में आ जाता है, लेकिन इस बार का जो ग्रहण है वह सदी का सबसे बड़ा चलने वाला ग्रहण है और यह करीब 4 घंटे चलेगा। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा क्योंकि मन के कारक है, मानस के कारक है, तो यह इमोशन को दिखाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन होने का संकेत देता है। अब चंद्रमा का ये जो ग्रहण है ये पड़ रहा है भारत की कुंडली में, या इस ग्रहण की भी हम कुंडली बनाए तो उसके 9वें भाव में पड़ रहा है। तो 9वां भाव जो है वह धर्म का घर है और गुरु और आपके पिता इनको दर्शाता है। अब 9वां भाव में ग्रहण के पड़ने के कारण ऐसा हो सकता है कि कुछ सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद हो सकता है, जिसके कारण देश में थोड़ी सी अव्यवस्था हो सकती है और लोग धार्मिक उन्माद में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि जो समाज के लिए अच्छे ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस ग्रहण से डरे नहीं, बल्कि अपने मन को, अपने भावों को, अपने विचारों को कंट्रोल में रखें। और ग्रहण के वक्त तो अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपको उससे नेगेटिव इफेक्ट से मुक्ति मिलती है। तो मेरा ये सभी के लिए विचार है कि वो अपना जो भी आपके देव हैं, इष्ट देव हैं या भगवान की स्तुति करते हैं तो आप उनका नाम लीजिए। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप बहुत अच्छा फल देता है। आभा जी, हमारी 12 राशि हैं, उन पर क्या प्रभाव रहेगा चंद्र ग्रहण का? देखिए, कोई भी ग्रहण हो उसका प्रभाव मुख्यतः मेदिनी ज्योतिष में ही देखा गया है। हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, 26 ग्रंथ हैं, उन सभी में ये कहा गया है कि ग्रहण का मुख्य रोल आता है मेदिनी ज्योतिष में। मेदिनी ज्योतिष यानी कि अगर किसी देश, किसी राज्य के बारे में बताना हो, जैसे वहाँ वर्षा कितनी होगी या वहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं होगी, कोई अर्थक्वेक तो नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड ही ग्रहण का रोल है। ग्रहण का इंडिविजुअल रोल तब आएगा जब वह ग्रहण किसी भी देश की कुंडली या देश के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली के लगन पर या चंद्रमा पर पड़ेगा। तो ऐसा होने पर ही उस व्यक्ति का के लिए वह हार्मफुल हो सकता है। तो ग्रहण को तो लेके एक बेकार ही मिथ्या एक डर बना रखा है समाज में, लेकिन ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना है और उस समय के लिए हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि व्यक्ति जो समाज है, लोग हैं, वह अपने मन को काबू में रखने के लिए, अपने मन के लिए वह चंद्रमा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो मन के लिए वह कोई मंत्र का जाप करें तो उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और क्योंकि ग्रहण के वक्त सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रभावित होते हैं तो उस समय हो सकता है कि बैक्टीरिया या वायरस का बहुत ज़्यादा हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि तुलसी को या कुशा को उसमें भोजन में या जल में डाला जाता है, तो वो उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण से डर के अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव होगा यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को तभी प्रभावित करेगा जब वह उसके लगन या उसके चंद्रमा से चंद्रमा पे पड़ता है या लगन या चंद्रमा से अष्टम पे पड़ेगा, और उसकी उसके साथ साथ दशा भी ऐसी होगी तभी वह उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा। आभा जी, हमारी 12 राशियां हैं, चंद्र ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ के करीब है और 12 राशियों में अगर हम 700 करोड़ लोगों को बांटेंगे तो 58 करोड़ एक एक राशि के हिस्से में आएंगे। तो एक राशि के 58 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे एक सा हो सकता है? ये तो वैसे ही मिथ्या है कि राशिफल भविष्य के द्वारा टीवी पर या डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में ये दिखाया जाता है, क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग है, हर इंसान का भाग्य अलग है, उसका जो बैकग्राउंड है वह अलग है। तो ये तो बेकार है कि आप अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव देखेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी व्यक्ति के लगन पर
या चंद्र लगन पर या लगन और चंद्रमा से अष्टम भाव पर अगर ग्रहण पड़ता है तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आ जाए। और इसके साथ साथ अगर दशा भी उसकी खराब है तो उसको कोई कई तरह का बड़ा लॉस हो सकता है या वह मानसिक संतुलन भी खो सकता है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि कुंडली में कैसे योग है, कैसी दशा है और गोचर, क्योंकि ग्रहण क्या है, ग्रहण तो एक गोचर है। इस समय गोचर में अगर ग्रहण लग रहा है तो अगर आपकी दशा अच्छी है, योग अच्छे हैं, तो वह ग्रहण आपको कुछ भी करके नहीं जाएगा। लेकिन अगर गोचर अच्छा है और दशा खराब है तो वह ग्रहण ना भी हो तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है जी। इसके साथ ही वरा मिहिर जी ने हमारे देश की कुंडली का जो लगन दिया है वह मकर लगन दिया है और इस समय यह जो ग्रहण है वह मकर और कर्क राशि पर पड़ रहा है। तो यह हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद हमारे देश में किसी तरह की कोई बड़े डिसीजन लिए जाएं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिए जाएं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट के अभी हमारे स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो क्योंकि ये ग्रहण 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन को देखते हुए जनरल इलेक्शन जो कि अगले साल मई में निश्चित है, हो सकता है वह प्रीपोन कर दिए जाए और जनवरी में ही इलेक्शन हो जाए। तो ये डिसीजन लेकिन गवर्नमेंट को लेना है, तो हो सकता है कि ऐसा बड़ा डिसीजन भी गवर्नमेंट ले ले इस ग्रहण के बाद। आभा जी, इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि है, रहने की अवधि है, वो है 3 घंटे 43 मिनट। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण से पहले का समय और उसके बाद का समय कितना प्रभाव रहेगा उसका? जी देखिए, किसी भी ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। अब ये ग्रहण 27 जुलाई 2018 की रात्रि 1:58 पर शुरू होगा तो दोपहर को 27 जुलाई 2018 को यह सूतक लग जाएगा और उसके सूतक लगने पर ही कहा जाता है कि ग्रहण में पूजा तो वर्जित है ही, मतलब आप अपने भगवान के जो विग्रह हैं और मंदिर हैं वहाँ ताला लगा दिया जाता है और भगवान की मूर्तियों को, विग्रहों को ढक दिया जाता है। लेकिन आपको पूजा करने पर कोई मनाही नहीं है, आप अपना बैठ के अपने किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि नारी भी पूजनीय है और पौधे भी पूजनीय है तो उनको भी छुआ नहीं जाता है, तो इस समय संसर्ग भी वर्जित है। साथ ही ग्रहण के वक्त तो आप भोजन भी निषेध माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भोजन और पानी में भी बैक्टीरिया और वायरस डेवलप कर जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें या तो तुलसी या कुशा डाल के रखें और दूसरे ग्रहण काल में और सूतक काल में भोजन ना ग्रहण करें। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको भोजन की आवश्यकता है तो वह तुलसी डाल के वो भोजन ले सकती है, ग्रहण कर सकती है। साथ ही ग्रहण का इफेक्ट, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट तो 6 महीने तक रहता है, तो चंद्र ग्रहण 28 जुलाई को है तो 28 जनवरी तक इसका इफेक्ट रहने वाला है। और इसीलिए ये देखते हुए लगता है इस ग्रहण के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कि गवर्नमेंट भी कोई बड़े डिसीजन ले, हो सकता है टैक्स से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है, जो शेयर मार्केट है उसमें फ्लक्चुएशन आए, क्योंकि चंद्र ग्रहण हर एक इंसान के मन को तो प्रभावित करेगा ही। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है या चंद्रमा पीड़ित है या योग अच्छे नहीं है वहां तो यह हो सकता है काफी नेगेटिव इफेक्ट दे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ग्रहण तो एक गोचर की घटना है, लेकिन आपके योग और आपकी दशा वो ही आपके कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उस ग्रहण की नेगेटिव इफेक्ट से भी आसानी से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम मान लें कि देश के साथ जो राजनीतिक संबंध है दूसरे देशों के, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन के जो संबंध हैं वो पिछले पास में भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि कश्मीर इशू ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले जिसके लिए इन देशों से संबंध की जो समीकरण है वह बदल जाए। साथ ही क्योंकि जो जैसे राहु केतु, क्योंकि मेन रोल निभाते हैं ग्रहण में, तो राहु केतु सिग्निफाई करते हैं इंटरनेट को, हो सकता है कि फेसबुक जैसा जो जहां पर डेटा शेयरिंग आजकल एक बड़ा इशू बन गया है तो उसके लेके भारतीय गवर्नमेंट भी कोई बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले जिसके लिए वो एक नया कानून ला सकते हैं। साथ ही क्योंकि देश में इस ग्रहण के बाद हो सकता है कुछ सांप्रदायिक उन्माद हो या कोई धार्मिक उन्माद हो, तो उससे बचने के लिए भी गवर्नमेंट को हो सकता है बड़े डिसीजन लेने पड़े, क्योंकि एक ग्रहण के बाद ऐसी स्थिति तो बनी जाती है कि एक शांति की जगह एक अशांति का माहौल पैदा हो जाता है और हर कोई थोड़ा आवेग में आके कोई डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए ग्रहण के बाद तो बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अपने आप को कंट्रोल में रखें। और कहा जाए शेयर बाजार के बारे में, क्योंकि आपने कहा कि 6 महीने तक चंद्र ग्रहण का असर दिख सकता है, तो क्या शेयर बाजार पर भी कोई असर रहेगा?
जी, शेयर बाजार काफी हद तक, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने GST तो आ चुका है और डीमोनेटाइजेशन भी हो चुका है, लेकिन क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो शेयर मार्केट भी, क्योंकि शेयर मार्केट तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिसीजन से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है, तो अगर मोदी गवर्नमेंट भी कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो हो सकता है शेयर मार्केट भी काफी उतार चढ़ाव देखे इस ग्रहण के 6 महीने के अंदर। आभा जी, जिनका चंद्रमा कमजोर है क्या उनको डरने की जरूरत है, और अगर वो डर रहे हैं तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, भगवान शिव चंद्रमा के इष्ट देव हैं और चंद्रशेखर कहलाते हैं। अगर भगवान शिव की स्तुति की जाती है, उनको उनको उनके मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है जो भगवान शिव से रिलेटेड हो, लाइक चाहे वो लिंगाष्टकम हो, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो, या भगवान शिव का छोटा सा ओम नमः शिवाय का भी बीज मंत्र हो, तो अगर आप वो पाठ करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। और इसके अतिरिक्त नारायण का विष्णु सहस्रनाम तो हर तरह के ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करते हैं, तो वो भी करने से इंसान को हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। बेसिकली चंद्र ग्रहण आपके मन विचार और आपके जो इच्छाएं हैं और आपके रिलेशंस को गवर्न करते हैं। हो सकता है इस ग्रहण के बाद आपके रिलेशन, जिनकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा पीड़ित बैठा है, हो सकता है उनके जीवन में किसी तरह का संबंध में थोड़ी कमी आ जाए, संबंधों में मधुरता में कमी आ जाए, तो उनको तो जरूर ही उपाय करने चाहिए। और कहा जाता है चंद्रमा का जो संबंध है वो कला से है, तो कला जैसे कि मूर्तिकार हो गया या फिर कोई तुनकार हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि लेखक भी है उसी में कला, तो क्या उन पर भी कोई असर पड़ने वाला है? जी, क्योंकि चंद्रमा कलाओं के देवता हैं, कलाओं के ग्रह हैं, तो जो कवि हैं, जो राइटर्स हैं, या एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, पत्रकार हैं, या जो भी साहित्य से जुड़े लोग हैं, इनके लिए ये ग्रहण नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है अगर उनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है। और अगर उनकी दशा अच्छी चल रही है तो हो सकता है वो थोड़ा सा मेंटली लो फील करे, हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन उनको फील हो, लेकिन अगर वो भगवान शिव के किसी भी मंत्र से प्रतिदिन पाठ करते हैं या पूजा करते हैं या दान भी अगर वो करते हैं तो उन्हें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद इसका इफेक्ट तो खत्म हो ही जाएगा, तो 6 महीने के बाद उनके लिए अच्छा समय भी हो सकता है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि 6 महीने तक उनको जो चंद्रमा का असर है उस दौरान पे उनको ये सब चीजें करनी चाहिए, पूजा पाठ और ये सब चीजें। देखिए, भगवान का नाम तो प्रतिदिन वैसे ही लेना चाहिए, ये कलयुग है, कलयुग में तो भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। लेकिन हाँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, आपकी एक बड़ी बड़ी घटना हो रही है, खगोलीय घटना हो रही है, तो इस समय की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है माहौल में, 6 महीने तक वह रहेंगी और उसका इफेक्ट आपके मन और विचारों को प्रभावित कर सकता है, तो उससे बचने के लिए आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। और अगर आपकी दशा अच्छी है तो डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और डिटेल में इन टोटैलिटी कुंडली को स्टडी करके अच्छी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। और जो नेगेटिव प्रभाव है उनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन सा मंत्र या फिर कौन सी पूजा करनी चाहिए? आपने पूजा तो बताई कि पूजा करना चाहिए, जाप करना चाहिए, मगर कौन सी पूजा करें, जाप करें? जी देखिए, मृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का बहुत बड़ा मंत्र है और उसका जाप ही अपने आप में आपको चंद्र ग्रहण के दूषित प्रभावों से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की स्तुति करने के लिए आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। आप सोमवार, अब श्रावण आ रहा है, क्योंकि ये श्रावण नक्षत्र में ही ये ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए ये माना जाता है कि अब श्रावण, क्योंकि भगवान शिव का महीना मास माना गया है, तो उसमें विशेष रूप से जैसे कांवड़िए जाते हैं, पूजा करते हैं, तो आप अगर उनके लिए उनकी सेवा ही करते हैं या आप उनको दान वगैरह उनके उसी समय सावन में करते हैं, तो आपको चंद्रग्रहण के दूषित प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि इस समय मंगल का गोचर भी थोड़ा विशेष है। मंगल मकर राशि में उच्च के 6 महीने के लिए रहेंगे, 2 मई से 4 नवंबर 2018 तक, और साथ में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों ही योगकारक ग्रह हैं एक दूसरे के लिए, और साथ ही ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली में दोनों ही बैठे हैं और उनकी दशा भी लगी हुई है, तो हो सकता है कि वो कोई बड़े स्ट्रांग डिसीजन लें और हो सकता है देश में उसके कारण थोड़े चेंजेस आए, लेकिन वो देश के भले के लिए होगा, जिसके लिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को आ सकती है, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक और इसमें विशेष बात है कि ये जो चंद्रमा के चंद्र ग्रहण की जो कुंडली बन रही है उसमें नवम भाव में चंद्रमा केतु और मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल उच्च के हैं, मंगल 6 महीने के लिए मकर राशि में रहेंगे और यहाँ जो केतु है वह मृत्यु भाव में है,
तो ये जो युति हो रही है केतु चंद्रमा और मंगल की, ये धर्म के घर में हो रही है, नवम भाव में हो रही है, इस कुंडली के नवम भाव में जो भाग्य का घर भी है वहां हो रही है। तो इसलिए ये हो सकता है कि धार्मिक उन्माद को लेकर लोग आवेश में आके कोई कार्य करे और इसके लिए फिर गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना पड़े। साथ ही नवम भाव लॉ का भी स्थान है और जस्टिस को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अब कोई अमेंडमेंट लेके आए, किसी विशेष किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट आ जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की 71 साल की आज़ादी के बाद ऑलरेडी 123 अमेंडमेंट हो चुके हैं और हो सकता है अब एक और नया अमेंडमेंट आने लगे। तो ये देखा जा रहा है कि ग्रहण के बाद, और क्योंकि मंगल 4 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे, तो हो सकता है 4 नवंबर से पहले ही कोई बड़ा लॉ, कोई बड़ा लीगल जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड, चाहे वो जजेस हों चाहे वो वकील हों, उनसे रिलेटेड कोई नया लॉ या हमारे देश के किसी बड़े लॉ से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आ जाए। तो ये कहना चाहिए ग्रहण से कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कोई वहम करने की जरूरत नहीं है और भ्रांतियाँ पालने की जरूरत नहीं, गलत भ्रांतियाँ पालने। आबा जी आप हमारे स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है किसी भी ग्रहण से, पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का जाप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।